वेलकम बैक क्लास नाइन्थ. दिस इज योर न्यू पोएम विच इज द विंड एंड इट इज ऑन पेज नंबर 30. इट इज ऑल अबाउट विंड. नाउ रिमेंबर दिस पोएम इज द पावर ऑफ द विंड एंड वॉट इट डज वेन इट कम्स. यू नो हवा होती है बहुत तेज आती है. आजकल आपने देखा होगा आंधी तूफान आता रहता है. तो जो पोएट है वो क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं किससे, विंड से. ही इज एड्रेसिंग द विंड. रिमेंबर विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो. पोएट कहता है हवा धीरे से आना, क्योंकि जब तुम आती हो तो क्या करती हो, खिड़कियों के शीशे तोड़ देती हो. आपने देखा होगा कि पहले जमाने में क्या होता था, याद रखिए काफी पहले की पोएम है. तो पहले जमाने में क्या होता था, जब हवा चलती थी तो शीशे टूट जाया करते थे. आज भी टूट जाते हैं, ऐसा नहीं है. डोंट स्कैटर द पेपर्स. क्या करती हो, तुम्हारा एक काम है पहले खिड़कियों की जो वो होती है उसको तोड़ देती हो. दूसरा जो पेपर्स हैं उनको पूरे में बिखेर देती हो, इट्स नॉर्मल. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. पोएट कहता है कि जो बुक्स रखी होती हैं शेल्फ पर उन्हें क्या कर देती हो, गिरा देती हो. देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन. पोएट कह रहा है कि देखो तुमने क्या किया, सारे किताबों को जमीन में उठा करके फेंक दिया. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, यू ब्रॉट रेन अगेन. रिमेंबर यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, किताबों के पन्नों को फाड़ दिया और फिर से तुम पानी लेकर के आ गई. पानी कुछ एरियाज में एक बहुत मुसीबत की तरह आता है, आप याद रखिएगा. तो देयर आर प्लेसेस वे पीपल दे डोंट लाइक रेन्स. सो दिस स्टोरी, दिस पोएम इज ऑल अबाउट दैट, कि व्हेन यू कम डाउन व्हाट यू डू, यू ब्रेक द शटर्स, यू स्कैटर द पेपर्स, यू थ्रो डाउन द बुक्स, यू टेयर डाउन देयर पेजेस, यू एंड यू ब्रिंग द रेन. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. याद रखिएगा कि सबसे मजे की बात क्या है, पोएट कहता है कि सबसे ज्यादा, इट इज अ फ्रेज, पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. वीकलिंग माने तुमको बहुत चालाक हो, हमेशा क्या करती हो, कमजोर लोगों पर अपना दम दिखाती हो, उनसे मजाक करती हो. रिमेंबर यहां पर पोएट एक बात कहना चाहता है कि आंधी तूफान से जो लोग पक्के घरों में रहते हैं, पक्के मकानों में रहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता. लेकिन जो आदमी झोपड़ी में रहता है, जिसका मकान कमजोर है, जिसकी छतें कमजोर हैं, उनको तुमसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है. और यहां पर पोएट वही बात को कह रहा है कि एक सबसे बड़ी बात यह है, याद रखिएगा, दिस इज एन आयरनी. और वो कहता है कि सबसे ज्यादा मजे की बात क्या है, कि तुमको कमजोर लोगों पर दम दिखाने में कुछ ज्यादा मजा आता है. फ्रेल एंड क्रम्बलिंग हाउसेज. फ्रेल मतलब होता है कमजोर, क्रम्बलिंग मतलब टूट के गिर रहे कच्चे मकानों को, जिसे कहते हैं ना, जो क्रम्बलिंग डाउन टू डस्ट वाला मामला है. क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स. राफ्टर्स किसे कहते हैं, आप मैं आपको बता दे रहा हूं. वो जो आपने देखा होगा कि जो ऐसे झोपड़ी होती है उसके ऊपर एक ऐसे करके लगा रहता है, यूं करके, जो झोपड़ी को यूं करके सपोर्ट किए रहता है, दैट पर्टिकुलर, जिसे हम बल्ली कहते हैं, और बल्ली यूं करके लगी रहती है और उस बल्ली के ऊपर झोपड़ी में जो छप्पर होता है वो रहता है, वो भी कुछ सालों बाद क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, उसको राफ्टर कहते हैं. रिमेंबर कि कह रहा है कि तुमको सबसे ज्यादा मजा आता है कमजोर लोगों के साथ मजाक करने में, तफरी करने में. क्यों, तुम एक काम क्या करती हो, ढूंढती हो कमजोर मकान. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स. राफ्टर्स माने क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज. क्रम्बलिंग बॉडीज माने कमजोर लोग, जो फिजिकली बहुत कमजोर होते हैं. क्रम्बलिंग लाइव्स. नाउ क्रम्बलिंग लाइव्स माने ये नहीं है कि कमजोर जिंदगियां, कमजोर, क्रम्बलिंग लाइफ इज अनदर इंग्लिश वर्ड विच इज बेसिकली यूज फॉर पुअर पीपल, पीपल हु आर फिजिकली फाइनेंशियली वेरी पुअर.
समझे ना, उनको कहते हैं क्रम्बलिंग लाइव्स। क्रम्बलिंग बॉडीज मीन्स फिजिकली कमजोर, क्रम्बलिंग लाइव्स मीन्स पीपल हु आर इकोनॉमिकली वेरी पुअर, क्रम्बलिंग हार्ट्स। क्रम्बलिंग हार्ट्स माने वो लोग जो जिनके दिल बहुत कमजोर होते हैं, क्यों, गरीब लोग होते हैं, वो जानते हैं कि अगर टूट जाएगा तो हम कैसे बनाएंगे इसको। नाउ दिस इज द थिंग व्हाट द पोएट इज पॉइंटिंग एट, कि तुमको बहुत मजा आता है उन लोगों को परेशान करने में जो बेसिकली कमजोर होते हैं, जैसे कमजोर घर, कमजोर दरवाजे, कमजोर राफ्टर्स, कमजोर लकड़ियां। जिस्मानी और इकोनॉमिकली, फिजिकली और इकोनॉमिकली वो लोग जो बहुत कमजोर होते हैं, क्रम्बलिंग हार्ट्स मीन्स, एक हाइफ़न लगाया आप देखिएगा, क्रम्बलिंग हार्ट्स मीन्स वो लोग जो हर चीज़ को देख करके क्या डर कर होते हैं, डर जाते हैं, क्यों, उन्हें मालूम होता है कि अगर कोई चीज़ टूट जाएगी तो हमारे पास उसको बनाने की हैसियत नहीं है, इसलिए पोएट कहता है दे आर क्रम्बलिंग हार्ट्स। फिर देखिएगा आगे कहती है, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल। विनो माने क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब गेहूं आता है बाजार में, मार्केट में जब खेतों में से काटा जाता है तो क्या होता है कि उसके अंदर एक बाली होती है, उसके अंदर दाना होता है, उसके ऊपर उसका कवर चढ़ा होता है, उसको क्या किया जाता है, सेपरेट करना, कि मींस जब दानों को और उनके कवर को एक दूसरे से सेपरेट किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं ना ओसाना, जैसे गेहूं ओसाया जाता है, ओसाया मीन्स होता है क्या, गेहूं को ऐसे गिराते हैं और उसका जो पानी होता है, हवा, भूसा होता है, वो उड़ जाता है और दाने नीचे गिर जाते हैं, दाने से उनके कवर्स को हटाने को बोलते हैं विनोइंग। याद रखें, विनो मतलब होता है कि आप क्या करते हो कि उनको एक दूसरे से अलग कर देते हो, उनको तोड़ देते हो, यानी विंड गॉड से कह रहा है कि तुम कमज़ोर लोगों को टारगेट करते हो और एक काम करते हो, इनको हर चीज़ को एक दूसरे से अलग कर देते हो। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। क्रशेस देम ऑल मीन्स क्या, हम यहाँ पर क्या है, ऑल माने एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है, व्हाट इज़ ऑल, ऑल माने ये है कि ये सब चीज़ों को जो ऊपर दी गई चीज़ें हैं, घर, दरवाजे, राफ्टर्स, आदमियों को, कमज़ोर लोगों को, इन लोगों को क्या करते हो, एकदम बुरी तरह से हिला देते हो। ही वोंट डू वॉट यू टेल हिम, ही वोंट डू वॉट यू टेल हिम, कि मीन्स ही यहाँ पर कौन है, द गॉड ऑफ विंड्स, वो कभी भी वो काम नहीं करते जो आप उनसे चाहते हैं। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। ना पोएट एडवाइस करता है कि विंड से और विंड गॉड से लड़ने के लिए सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, और वो क्या चीज़ है, कि चलिए मजबूत घर बनाते हैं, यानी पक्के घर बनाते हैं। लेट्स जॉइन द डोर फर्मलीज, और दरवाज़ों को क्या करते हैं, मजबूत करते हैं। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, फिजिकली अपने आप को मजबूत करते हैं। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, और अपने दिलों को मजबूत करते हैं, यानी विंड गॉड का सामना करने के लिए सिर्फ यही दो तीन तरीका है। और पहला तरीका क्या है, अपने घरों को मजबूत कर लें, अपने दरवाज़ों को मजबूत कर लें, यानी पक्का घर बनाएं, है ना, फिर अपने जिस्म को मजबूत करें और अपने दिल को भी मजबूत कर लें। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस। अगर हम ये काम कर लेंगे तो हमेशा क्या होगा कि हवा से हमें फिर कोई शिकायत नहीं होगी, हवा हमारी दोस्त हो जाएगी, क्यों, हमने उसके सारे इंतजामात कर लिए हैं। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। याद रखिएगा हमेशा हवा, या नाउ दिस इज द मैसेज ऑफ द पोएम, हवा हमेशा क्या करती है, कमज़ोर आग को बुझा देती है, लेकिन अगर बड़ी आग होती है तो वो उसको और फैला देती है, आगे बढ़ा देती है, यानी उसके कहने का मतलब है कि ही मेक्स द स्ट्रॉन्ग फायर रोज एंड फ्लरिश। पोएट मैसेज क्या देना चाहता है कि अगर आप मुसीबतों के सामने कमज़ोर पड़िएगा तो वो मुसीबतें आपको क्या करेंगी, बर्बाद कर देंगी, लेकिन अगर आप मुसीबतों के सामने अपने आप को मजबूत कर लेंगे तो यकीनन जो
मुसीबतें हैं वो हार जाएंगी और आप जिंदगी में और तरक्की करोगे। द मैसेज ऑफ द पोएम इज वेरी क्लियर, लाउड एंड क्लियर, कि मीन्स यू शुड बी फिजिकली, इमोशनली, सेंटिमेंटली, साइकोलॉजिकली, यू मस्ट बी वेरी स्ट्रांग। और अगर आप स्ट्रांग होंगे सो देर इज नो वन हु कैन डिफीट यू, आप कभी भी जिंदगी में हारोगे नहीं। लेकिन अगर आप कमजोर हो जाओगे तो कमजोरी क्या है कि हमारे अंदर कमजोरी होती है, पोएट ये कहना चाहता है, क्योंकि हमने अपनी कमजोरियां बना रखी है, हमने किसी चीज की तैयारियां नहीं कर रखी हैं, इसलिए हम मुसीबत के समय में मुसीबत में फंस जाते हैं। अगर हम अपने आप को मजबूत कर लेंगे तो हम कभी भी मुसीबतों से हारेंगे नहीं। फिर से पढ़िएगा, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, की मीन्स जो कमजोर होता है उसको गिरा देती है, लेकिन जो मजबूत होते हैं उनको और ऊपर उठा देती है। यानी अगर नेगेटिव सिचुएशन में हम फिजिकली, मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग हैं तो हम और तरक्की करेंगे, लेकिन अगर हम इसके लिए तैयार नहीं हैं तो हम हमेशा क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे और हमेशा हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी रहेगी। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। और अगर ऐसा होगा कि जो विंड गॉड हैं उनकी फ्रेंडशिप अच्छी है और हम इसलिए उनकी तारीफ रोज करेंगे, क्यों, क्योंकि उन्होंने ऐसे हालात पैदा किए कि हम हमेशा उनके साथ रह करके कॉम्पिटिटिव हो गए, स्ट्रांग हो गए और आगे तरक्की कर गए। कि मीन्स द पोएट ऑल्सो वॉन्ट्स टू से, इफ़ यू रन अवे फ्रॉम द फियर्स, इफ़ यू रन अवे फ्रॉम द चैलेंजेस, यू विल ऑलवेज बी वीक, बट वंस यू स्टार्ट फेसिंग दोज चैलेंजेस यू विल ऑलवेज बी वेरी स्ट्रांग। हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू।